कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन बनने में लगी तीन टीमों के साथ सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेनोवा बायोफार्मा बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी के दल से कोविड 19 के वैक्सीन को विकसित किए जाने के संबंध में जानकारी हासिल की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इन कंपनियों में कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन समाधान के साथ आने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म की क्षमता पर भी चर्चा की गई। पीएम ने इन कंपनियों से वैक्सीन के वितरण पर सुझाव भी मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन बना रहे टीम को सुझाव दिया कि वे टीका और संबंधित मामलों जैसे इसके प्रभाव आदि के बारे में आम जनता को सरल भाषा में सूचित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें। टीके वितरित करने के संबंध में रसद परिवहन, कोल्ड चैन आदि से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।